हिमाचल प्रदेश में ऊना पुलिस ने एक नाबालिग के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम पर एक आरोपी के संबंधियों ने पथराव कर रोकने की कोशिश भी की। पीड़ित नाबालिका तीन दिन पहले ऊना से गायब हुई थी, जिसकी तलाश में निकली पुलिस टीम ने जांच के तहत उसे चंडीगढ़ के बस स्टैंड से बरामद किया। पीड़िता की निशानदेही पर ही पुलिस ने रोपड़ के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध पॉस्को एक्ट और धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पुलिस ने ऐसे तीन युवकों को गिरफ्तार किया है जिन पर एक नाबालिग के अपहरण और सामूहिक बलात्कार का आरोप है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को पंजाब के रोपड़ जिले से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसका सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम को उस वक्त बड़ा धक्का लगा जब एक आरोपी की गिरफ्तारी के समय उसके संबंधियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर उन्हें रोकने की कोशिश की। आपको बता दें कि ये पीड़ित नाबालिग तीन दिन पहले ऊना से गायब थी, जिसकी तलाश में पुलिस टीम ने जब जांच शुरू की तो एक लीड के आधार पर पीड़िता को चंडीगढ़ के बस स्टैंड से बरामद किया। पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही पर ही रोपड़ के अलग अलग स्थानों से वारदात के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध पॉस्को एक्ट और धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस चौकी मैदपुर में परसों एक मुकदमा दर्ज हुआ था किडनैपिंग में 363 में, जिसमें पुलिस ने लड़की को चंडीगढ़ बस स्टैंड से रेस्क्यू किया था। इसी कार्रवाई को आगे कंटिन्यू करते हुए पुलिस ने नाबालिग लड़की का बयान कराया कोर्ट में, और उस बयान के आधार पर पुलिस ने आज सुबह रोपड़ में किसी स्थान पर जाके रेड की है और तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसमें फर्दर धारा 376 और धारा चार पोक्सो एक्ट जो है वो दर्ज की है साथ में, और पुलिस आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। मेडिकल करवाया कुछ? हाँ, पुलिस ने लड़की नाबालिग लड़की जो विक्टिम है उसका मेडिकल करवाया है। देखिए, पुलिस ने जब सुबह उस इलाके में दबिश दी थी नामजद व्यक्तियों को उठाने के लिए जो मामले में एक्यूज्ड हैं, तो पुलिस ने स्थानीय पुलिस की भी मदद ली है, पंजाब पुलिस की। तो लोगों ने थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन की थी, लेकिन बाद में मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। मैं एक तो एंटी करप्शन ब्यूरो का हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश, और मैं पिछले चार दिन के इनके साथ हूँ, टच में हूँ, और इतनी पुलिस ठीक है, इनकॉपरेट है कि चार दिन से ना ये सोए ना हम सोए, चार दिन से हम इनके पीछे लगे हुए हैं। कभी ये स्विच ऑन कर देते थे, कभी ये स्विच बंद कर देते थे। तो इनका आज मिशन था कि हम आज रात 3 बजे निकल जाएंगे जहाँ रोपड़ के लिए, तो हम रोपड़ के लिए निकले। तो जहाँ जहाँ वो उस लड़की को लेकर गए थे, पहले हम वहाँ वहाँ गए, उसके बाद उस लड़की ने ये बताया कि हमें कोई गाड़ी धोने वाला एक गिल उसके वहाँ ले गए थे दुकान के ऊपर। तो पहले हमने वो लड़का उठाया गिल, उसके घर के साथ ही एक और घर है, हमने उसे भी उठाया। उसका जब हमें तीसरा अपराधी उठाने की गए, पंजाब पुलिस साथ ही मारे, तो हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया उन्होंने उसी वक्त। तो उस हमले के दौरान उन्होंने जो तीसरा अपराधी था उसने गाड़ी की जो गियर था उसे निकाला, हैंडब्रेक खींची और पत्थर मारे, और अपना जो उसके हाथ में कड़ा था वो मेरे हाथ में लगा, ये उसका निशान है। जो पथराव हुआ वो आपके और पुलिस टीम पर भी पथराव? जी बिल्कुल, किया हुई गाड़ी के पीछे, और हम अपनी गाड़ी हमने तुरंत वहाँ से खींच ली गाड़ी, और हमारे ASA साहब वहाँ रह गए थे, तो हम गाड़ी हाल ही 100 मीटर आगे जा गाड़ी रोक ली। तो जो पंजाब पुलिस थी वो जो हमारे साथ साहब गए थे ASA साहब, वो उनके साथ आए बाइक पर बैठ के रोपड़ तक। जी बिल्कुल जी, और पथराव हुआ जी, उन्होंने पीछे से पत्थर ही मारे, और कम से कम भी उन्होंने हाईवे जाम करने की भी कोशिश की रोपड़ वालों ने, कम से कम 300-400 बंदे के बीच में था। हम गाड़ी वहाँ से हम गाड़ी रोपड़ से सीधे आगे ले गए चंडीगढ़ रोड पर, हम एक घंटा चंडीगढ़ रोड पर खड़े। जब हमने वहाँ जो टीम दूसरी थी हमने उनसे पूछा कि जो 300-400 बंदा वो चला गया वहाँ से, जब वो चले गए तो हम गाड़ी ले गए फिर वापसी रोपड़ में से अपने ऊना हिमाचल पहुँचे मैपुर में। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।